इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अखरोट से जुड़ी कुछ मजेदार बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अखरोट स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही अच्छा माना जाता है। अखरोट में फाइबर, विटामिन बी, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक मात्रा में होते हैं। यह बालों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि अखरोट खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और आप इसको एक हेल्दी स्नैक की तरह भी खा सकते हैं। अखरोट के कुछ फायदे, पेट के कीड़े हो जाए तो अखरोट को गर्म दूध के साथ सेवन करने से बच्चों के पेट में मौजूद कीड़े मर जाते हैं तथा पेट के दर्द में आराम देता है। कुछ दिनों तक शाम को दो अखरोट खिलाकर ऊपर से दूध पिलाने से बच्चों के पेट के कीड़े मरने के साथ साथ बाहर निकल जाते हैं। अखरोट की छाल का काढ़ा 60 से 80 मिलीमीटर पिलाने से आंतों के कीड़े भी मर जाते हैं। वजन घटाने के लिए, यह एक ऐसा मेवा है जो खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और पेट संबंधी समस्याओं को दूर करता है। यह इस तरह बेहतर पाचन में मदद करता है और अधिक कैलोरी जलाता है, इसलिए आप दिन में 2 से 3 अखरोट खाकर अपना वजन कम कर सकते हैं। याददाश्त बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर का कोई अंग जिस आकार का होता है ठीक उसी आकार का फल खाने से उस अंग को मजबूती मिलती है, क्योंकि अखरोट की बनावट हमारे दिमाग की तरह होती है। इसलिए अखरोट खाने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है और याददाश्त मजबूत होती है। बिस्तर में पेशाब कर देते तो, कुछ बच्चों की बिस्तर में पेशाब करने की आदत हो जाती है। ऐसे बाल रोगियों को 2 अखरोट और 20 किशमिश प्रतिदिन 2 सप्ताह तक सेवन करने से यह शिकायत दूर हो जाती है। विटामिन ई और प्रोटीन। अखरोट में सबसे ज्यादा विटामिन ई और प्रोटीन पाया जाता है। इसमें मीट के मुकाबले ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसे रोजाना खाने की आदत डाल लें। खांसी होने पर अखरोट की गिरी को भूनकर चबाने से लाभ होता है। छिलके सहित अखरोट को आग में डालकर राख बना लें और इस राख की 1 ग्राम मात्रा को 5 ग्राम शहद के साथ चटाने से भी लाभ होता है। घुटने के दर्द को दूर करने के लिए अखरोट का तेल जोड़ों पर लगाने से रोगी को लाभ मिलता है। अखरोट का तेल आपको किसी भी आयुर्वेदिक दवा बेचने वाले पंसारी से मिल जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।